वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मुकाबला जीता है। कहने को तो श्रीलंका के पास उस तरह की बॉलिंग नहीं थी, मगर फिर भी 344 पे 344 कर देना वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और 48 साल के बाद स्टैट्स की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इतना बड़ा रन चेज नहीं हुआ। दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान की बैटिंग को, बॉलिंग तो खासी रद्दी थी। बॉलिंग में मैंने इतनी ऑर्डिनरी पन बहुत मुद्दत के बाद देखा। एक गेंद पैड्स पे तो एक गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, पेस थी नहीं पेसर्स की, पता नहीं कहाँ चली गई है। उसके अलावा जो दोनों स्पिनर्स हैं उनकी भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। देखें उसामा मीर को खिलाना है और ये अभी चांस लेना पड़ेगा भारत के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो आपके दोनों जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं स्पिनर्स जो हैं ये भारत के अगेंस्ट चलने वाले नहीं। और फिर पाकिस्तान को गेम अप करनी है कुलदीप यादव और अश्विन के अगेंस्ट। श्रीलंका की बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग थी, एट टाइम्स ठीक लगे मगर मोस्ट टाइम्स ऐसे लग रहा था कि जैसे पहली मैच हाथ से निकल गया उनका बॉल के साथ। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच अब्दुल्ला शफीक, ग्रेट इंक्लूजन। बहुत देर से मैं कह रहा था कि इनको खिलाना चाहिए, क्योंकि फखर जमान इवन दो ऑन द डे मैच विनर है मगर उनकी फॉर्म नहीं थी। और जब फॉर्म नहीं होती और वर्ल्ड कप पे वैसी प्रेशर पड़ जाता है तो पहले से ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। और अब्दुल्ला शफीक ने अपना लोहा मनवाया, दो चार तो जबरदस्त शॉट्स खेले, मगर सबसे अच्छी बात ये कि टेक्निक के हिसाब से बहुत अच्छा खेले। उनको एग्जैक्टली पता था किस बॉलर पे हमला करना, शॉर्ट बॉल अच्छा खेले, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेले। सो एक कंप्लीट पैकेज बन के सामने आए हैं और अगर इसी तरह से ये खेलते रहे तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लस हो जाएगा ये। तो अब चलते हैं सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच की तरफ। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच, देखिए वो पार्टनरशिप है रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, 176 रन की पार्टनरशिप और दोनों अपने मकसद से हटे नहीं। इंपॉर्टेंटली रिजवान एंड तक खेलते रहे और बड़ा जरूरी था अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद कि रिजवान जो कि सेट थे उनको गेंद अच्छा नजर आ रहा था और उनका गेम प्लान बहुत ही अच्छा सॉलिड था, वो चलते रहते और एग्जैक्टली ऐसे ही किया उन्होंने जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये जीत हासिल की। कहीं रिजवान भी जल्दी आउट हो जाते अब्दुल्ला शफीक के बाद तो बहुत मसले मसाइल हो जाने थे। साउथ शकील भी ठीक ठाक खेले मगर जो क्लिंचर था पाकिस्तान के लिए वो ये भरपूर पार्टनरशिप थी। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी शॉट सिलेक्शन, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी थी और जैसे ही प्रेशर पड़ता था बड़ी शॉट्स भी खेल रहे थे और पक्की शॉट्स लगा रहे थे। रिजवान शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलते हैं, उनकी बैट स्पीड बहुत तेज है और अब्दुल्ला शफीक के लिए बेहतरीन गाइड साबित हुए। बहुत बड़ी फतह है ये पाकिस्तान के लिए और उम्मीद करता हूं कि इस फतह के साथ जब वो भारत से टकराएंगे तो ये रेफरेंस पॉइंट का जिक्र जरूर करेंगे और अपने जहन को अनक्लटर्ड रखेंगे और सिर्फ बॉल की तरफ तवज्जो देंगे। और कोशिश यही करनी चाहिए जब प्रेशर हो आप पे तो आप मत सोचें कौन सा बॉलर बॉल कर रहा है और कौन सा बल्लेबाज आपको खेल रहा है। सिर्फ एक जो चीज पाकिस्तान ने करनी है वो उसामा मीर को किसी ना किसी तरह से उस मैच में ही खिलाना है, नहीं तो फिर देर हो जाएगी इनको। हालांकि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट चांस मिल जाना चाहिए था मगर अगर आपने नहीं खिलाया तो देखें अच्छी इंस्पायर्ड सिलेक्शन तो ऐसी ही होती है, फिर आपको चांस लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपके स्पिन अटैक है ये भारत के खिलाफ कुछ खास करने वाला नहीं है। अदरवाइज डाउनलोड तमाशा ऐप टू वॉच लाइव वर्ल्ड कप स्ट्रीमिंग, वो भी बिल्कुल फ्री, एंड अवेल जैज मंथली फ्रीडम ऑफर।